था, क्योंकि अजीत पवार जी को ही आदत है लोगों के ऊपर उंगलियां उठाने की। आज भी याद है मुझे, उन्होंने आर आर पाटिल को ऐसा ही अपमानित किया था भर सभा में कि आदमी किधर भी जाके थूक देता है, इसको फॉरन कभी लेके जाना ही नहीं चाहिए। सर अजीत पवार ने फिर एक बार कहा है कि पेट को लेकर राजनीति ना करें, इस अधिवेशन में जो है। मैं बहुत खुश हूँ अजीत पवार जी ने कहा, क्योंकि अजीत पवार जी को ही आदत है लोगों के ऊपर उंगलियां उठाने की। आज भी याद है मुझे, उन्होंने आर आर पाटिल को ऐसा ही अपमानित किया था भर सभा में कि आदमी किधर भी जाके थूक देता है, इसको फॉरन कभी लेके जाना ही नहीं चाहिए। उनको ही आदत है ए पटे वही बोलते हो, दूसरा कोई बोलने के। देखो ऐसा है कि हम लोगों ने, मैंने आज तक 35 साल में कभी अजीत पवार के बारे में कुछ कहा है तो कोई बता नहीं। तुम बोलोगे, तुम कहोगे, मैं सुनूंगा। जब तक पवार साहब थे पार्टी में तब तक मैं, अब तुम पवार साहब के बारे में भी बोल रहे हो कि ये आदमी झूठा था, ये आदमी डबल था, ये आदमी हमको फंसाता था, ये हमसे झूठ बोलता था, अब तुम पवार साहब के बारे में बोल बोल रहे हो। तो आपको प्रणाम है हमारा, सिर्फ व्यक्तिगत टीका मत करो, बाकी सबके जवाब हम दे देंगे। और व्यक्तिगत टीका भी करोगे तो उसका भी जवाब मिलेगा, अब जवाब के लिए रुकेंगे नहीं। सर जेल से रिहा होने के बाद ना सत्ता आणि गुंडगिरी ही महाराष्ट्रात किती सुखलीला पोचली आहे, ठाण्यात आपण अनुभवतोय, सगळीकडे अनुभवतोय, नावं बिवाचं कोणाला पडली आहे, आणि मला काय किटिंग बिबिंगची पडलेली नसते, रस्त्यावरचा कार्यकर्ता आम्ही, रस्त्यावर उभं राहून काम करतो। हे जिथे शरद पवारांचंच नाव काढायचं। राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।